हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक बॉय सौरभ। तो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करते हैं मेरे चैनल में। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा FTP सर्वर के बारे में। पहले दोस्तों, आप जान लो कि FTP क्या होता है। FTP दोस्तों वो चीज़ होता है जो मतलब कि आपके जो cPanel होता है या फिर फाइल मैनेजर होता है PHP या फिर किसी भी वेबसाइट का, उसको कनेक्ट करते हैं FTP। अगर आपका cPanel में कोई भी प्रॉब्लम चलता है तो आप FTP की मदद से कुछ भी स्क्रिप्ट या फिर जो डाटाबेस में जो पासवर्ड या फिर जो कुछ भी होता है, आप उसके मदद से भी अपने मतलब कि फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है FTP और कैसे हमें उसे एक्सेस करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको मतलब कि PHP वेबसाइट का जो मैं आपको ट्यूटोरियल दिया था, उस ट्यूटोरियल में आप देखे होंगे कि मतलब कि जो फाइल मैनेजर है उसमें जाने के बाद हम कुछ कोड एडिट नहीं कर पाते हैं। वो जो मैंने आपको साइड बताया उसमें अभी अपडेट हुआ है वो मतलब कि फाइल मैनेजर, इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब कि कोड को ठीक से एडिट नहीं कर पाते। आप जाके देख भी सकते हो, मैंने मेरा जो PHP वेबसाइट की जो ट्यूटोरियल है अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग है, आप जाके उसको देख भी सकते हो। पर मैं जब वीडियो बनाया था तब मतलब कि ठीक से मतलब कि एडिट होता था, अब एडिट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें तो उसी होस्टिंग को यूज़ करना है क्योंकि वो अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग देता है। और कैसे उसे एक्सेस करना है आज हम वो भी सीख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से बोल दिया और स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मेरा फाइल मैनेजर पे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है कोड का प्रॉब्लम। ठीक है, तो देख लो पहले, उसके बाद मैं आपको FTP के एक्सेस करना सिखा दूंगा। तो फिर देख सकते हैं, ये हमारा फाइल मैनेजर, मैंने आपको जो ट्यूटोरियल दिया था हमारा फाइल मैनेजर यही वाला था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख लो, तो यहाँ पर आने के बाद मैं अगर कुछ चीज़ों का एडिट में जाऊँ तो देख लो, तो चलते हो एडिट में अच्छे से देखना, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज सॉल्यूशन भी हो जाएगा और FTP क्या है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो देख लो, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, चलो काट करते हैं। देख लो, मैं काट पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी काट नहीं हो रहा है, बहुत देर के बाद हो सकता है। देख लो, फुली देख लो, लिखा तो जा रहा है पर आप ठीक से एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। देख लो, मैं काट रहा हूँ, मैं इसे काट कर रहा हूँ और ये मतलब खुद से ही नहीं हो रहा है, मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। मैं आज आपको सॉल्व कर दूंगा वो। तो चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं, चलते हैं हमारा जो FTP सर्वर है उसमें। तो सभी पेज को चलिए क्लोज कर देते हैं। और फिर मैं आपको आपके लिए मतलब कि लेकर आया हूँ एक एप्लीकेशन जिसके मदद से दोस्तों आप FTP को भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं आप जिसे एक्सेस कर सकते हैं उसकी मदद से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों, कहा गया ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला EX फाइल एक्सप्लोरर, देख लो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो ऐप का अगर आपको लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देने की, क्योंकि ये जो ऐप है दोस्तों ये प्ले स्टोर पे मतलब कि जो है पेड है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इस ऐप को मेरे वेबसाइट पे डालने की, अगर मैं डाल सकते हो तो आपको दे दूँगा वरना प्ले स्टोर का URL दे दूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो नेटवर्क का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप देख सकते हो इसके मदद से आप कितनी चीज़ें कर सकते हो। देख सकते हो नेटवर्क है, LAN है, क्लाउड है, FTP है, हमें FTP आज इसको मतलब कि करना है। उसके बाद आप देख लो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, ब्लूटूथ, कहा गया ब्लूटूथ, रिमोट मैनेजर, नेट मैनेजर, एंड्रॉयड TV, मतलब कि आप TV को भी ऐसे एक्सेस कर सकते हो। देख लो, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, हमें आज जानना है सिर्फ FTP के बारे में, तो आज हम FTP के बारे में ही जान लेते हैं। आप FTP में क्लिक करोगे उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक प्लस का आइकन है, आप अगर प्लस का आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर FTP की क्लिक कर दो। उसके बाद आपका जो होस्ट जो सर्वर होता है हमारा, जो FTP का सर्वर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो मतलब कि यूज़र नेम वो वगैरह मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। आपको जाना होगा अपने जो इन्फिनिटी फ्री जो हमारा होस्टिंग है उस पर लॉगिन होने के बाद आपको मतलब कि जाना पड़ेगा cPanel में। cPanel में जाने के बाद एकदम नीचे जो स्क्रॉल डाउन करके आप जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक क्या आपको करना है। तो देख लो फ्रेंड्स,
ये सी पैनल में आने के बाद आपको एकदम स्क्रॉल डाउन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये जो FTP होस्ट नेम है आपको इसको कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी कर लेते। कॉपी करने के बाद आपको ये जो हमारा FTP होस्ट सर्वर है इस पर आपको पेस्ट कर देना है। हो गया, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, करने के बाद आपको यूज़र नेम देख सकते हो, इसके नीचे ही मिलेगा FTP यूज़र नेम, आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा सकता। ठीक है, पासवर्ड आपको मिलेगा सी पैनल में। सी पैनल में मतलब कि दोस्तों आप लॉगिन करोगे, इन्फिनिटी फ्री जो होस्टिंग होता है उसमें लॉगिन करने के बाद ही स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मिलेगा पासवर्ड। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। चलिए, तो फिर जब आप इस होस्टिंग पर लॉगिन होते हो तो आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पर जो देख सकते हो ये हमारा पासवर्ड है। आप अगर इस शो पे क्लिक करते हो ये वाला शो, तो हमारा पासवर्ड शो करेगा। तो अभी मैं नहीं क्लिक करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर से शो पे क्लिक करने के बाद ये जो शो है इस पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड शो हो जाएगा और उस पासवर्ड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको डाल देना होगा यहाँ पर। तो चलिए मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ और इसे डाल देता हूँ। तो मैंने देख सकते हो मैंने इसे डाल दिया। आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो एक्टिव का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको एक्टिव पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। तो देख सकते हो हमारा आ गया और अब हम जिसको भी चाहे एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं चलते इसके अंदर और हम जिसको एडिट करने की कोशिश कर रहे थे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर सर्च भी कर ले सकते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। तो हमें इंडेक्स, चलिए इंडेक्स पे चलते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पूरा कोड ओपन हो रहा है और यहाँ पर जो देख सकते हैं एडिट का जो ऑप्शन आप दिख रहा हो, आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं इसे एडिट भी कर सकते हो। आपको जिस भी चीज़ को एडिट करना है आप उसे एडिट कर लो। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी चीज़ें एडिट करने के बाद, ठीक है, एडिट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका फ़ोन का जो बैक ऑप्शन है, आप जिस भी चीज़ से आप बैक करते हो आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने अभी कुछ नहीं एडिट किया इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं थोड़ा आपको एडिट करके दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो चलिए कुछ भी चीज़ को अभी के लिए एडिट कर देता हूँ। तो चलिए एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, बैक ऑप्शन पर अगर जब भी क्लिक करते हो तो देख सकते हो डू यू वांट टू सेव इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब कि आप जिस भी चीज़ को अभी सेव किया हो क्या आप उसको सेव करना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप एडिट किया हो तो यस कर देते हैं। तो इससे तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देख लो आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप चाहोगे तो जिस भी चीज़ को अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, देख लो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिया गया। आप फाइल पे जाओगे उसके बाद आपको जिस भी स्क्रिप्ट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, बहुत ही इजीली यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे वो अभी मैं बताऊँ या चलो बता भी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए वो आप किसके बारे में कुछ सीखने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फ्यूचर फाइल है बिल्कुल ही रियल है, मैंने बना ही लिया दोस्तों फ्यूचर फाइल आपके लिए। देख सकते हो मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो गाना चेंज हो जाएगा, देख सकते हो गाना चेंज हो गया। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो फिर से गाना चेंज हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करता रहूँ तो गाना चेंज होता रहा है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर फाइल का जो ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगा और अगर आप ऐसे ही तरह के नए नए वीडियो चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा।